फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंह आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे क्रिम्पिंग। तो जिनको अभी क्रिम्पिंग नहीं करनी आती है, उनके लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई है। तो आप देख सकते हो कि मैंने क्रिम्पिंग किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि क्रिम्पिंग कैसे करते हैं और कहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पार्ट्स कर लिए दो हिस्सों में। तो हम क्रिम्पिंग करने के लिए फिर ये सारे हेयर इधर इस साइड दूसरी साइड में कर लेंगे। तो ये आप देखिए, तो हमने पतले पतले सेक्शंस लेने हैं। तो मैं ये अच्छे से पतला सेक्शन ले रही हूँ ताकि हमारी क्रिम्पिंग जो है वो अच्छे से दिखे। तो फ्रेंड्स, ये अच्छे से आपने पहले कॉम कर लेनी है। ये देखिए, कॉम करने के बाद आपने इतना पतला सेक्शन लेना है। और मैंने और पतला कर लिया थोड़ा सा, इसको टक कर देना दूसरे साइड में। तो मैंने ये एक तरफ से क्रिम्पिंग कर ली है। ये देखिए, अभी मैं, क्योंकि ये पतला सेक्शन ज़्यादा था वो तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं ये ऊपर से करके आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। आपने पतला सा सेक्शन करना और कॉम करनी है, उसके बाद आपने क्रिम्पिंग स्टार्ट कर देनी है। तो ये देखिए, एकदम स्टार्ट से मैंने दबा के अच्छे से क्रिम्पिंग करनी है ताकि हमारे क्रिम्प्स जो है वो अच्छे से पड़ जाएं। तो देखिए आप, कितना आसान है ये खुद से करना। तो मैंने ये हाफ ही करने हैं क्योंकि हमें इतने नहीं चाहिए, हाफ हेयर पे ही मैंने किए हैं क्रिम्प्स। ये देखिए, तो सेक्शन वाइज मैं इसको कर लूँगी। मैं एक एक करके पतले पतले सेक्शन लेके अच्छे से क्रिम्पिंग कर लूँगी। जब भी आपने क्रिम कर लेने हैं तो दूसरे साइड से होल्ड ज़रूर कर लेना है इसको, ताकि हमारे बीच बीच में हेयर ना आए। तो मेरा ये एक साइड का कंप्लीट हो गया, तो मैं ये दूसरी साइड कर रही हूँ। तो आपने हेयर्स को टाई ज़रूर करना है, ये देखिए मैं कर रही हूँ, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो पाए। तो मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए, दोनों साइड से मेरे क्रिम पड़ गए और मैंने ये इसको दूसरे साइड में, जिस साइड में मैंने हल्का सा हेयर स्टाइल करना है वॉल्यूम देने थे, वो मैं कर लूँगी। तो आपने जो हेयर कॉम करनी है वो हल्के हाथों से ही करनी है, ऊपर ऊपर से बहुत ज़्यादा दबा के नहीं करनी है। तो ये मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। तो मैं अच्छे से इसको आपको दिखाऊँगी कि कितना अच्छा वॉल्यूम आया है इसका। तो गाइज, अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो क्रिम्पिंग आप कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट हेयर पे वॉल्यूम चाहिए होता है अगर, तो आप फ्रंट वाला ऐसा कर सकते हो। तो मैं ये पिनअप कर लूँगी हल्का सा, क्योंकि हमने क्रिम्पिंग की ही वीडियो बनाई है। तो आपने ये पीछे से क्लचर लगा लेना है या फिर जूड़ा बना लेना, मतलब आप कुछ भी हेयर स्टाइल कर सकते हो वॉल्यूम क्रिएट करके। तो नॉर्मल मैंने ये वीडियो बनाई थी क्रिम्पिंग के ऊपर। वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।